वेल तो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आप लोग का स्वागत है नॉर्मल रेसलिंग में। एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भाई द रॉक को लेकर एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, उनके रिटर्न से रिलेटेड अपडेट है, इस बारे में बात करेंगे। रॉक की व्यूवरशिप कितनी आई उसके बारे में, मैट हार्डी हमें एनएक्सटी के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड और भी बहुत सारी अपडेट्स होने वाली है टामाटोंगा से रिलेटेड भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, ठीक है। ओके, सो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये हमें देखने को मिल रहा है जो कि NAOH एंड ऑल्सो WD को लेकर, तो नोआ एक जो कि इंडी प्रमोशन है, और इसके अंदर क्या रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है कि इनका और कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है WD का, दोनों का एक साथ। सो रिपोर्ट्स क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि WD ऑलरेडी बहुत सारे मतलब कंपनीज जो हैं लाइक टुम TNA को देख ही सकते हैं, उनके साथ में उनका कोलैबोरेशन चल रहा है, और उनके रेसलर्स जो है वो NXT के अंदर आ रहे हैं, और NXT के कुछ रेसलर्स भी वहाँ पर जा रहे हैं, ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो एक्चुअली में WD का अब आने वाले समय में प्लान्स ये भी है कि WD हमें यहाँ पर कोलैबोरेशन जो है उसको और भी बढ़ाते हुए दिखाई दे सकती है, और NOH जो कि एक प्रमोशन वो भी है इंडी प्रमोशन में गिना जाता है, तो उसके साथ में भी हमें यहाँ पर आने वाले समय में मेजर अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, और ये अनाउंसमेंट बेसिकली संडे को हो सकता है। तो लेट्स सी भाई वो क्या बड़ा अनाउंसमेंट होता है और किस चीज़ को लेकर ये लोग अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट क्लैश एट द कैसल से रिलेटेड है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमें क्लैश एट द कैसल में देखने को मिलता है, क्लैश एट द कैसल के बाद का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसको लेकर अपडेट्स है। अपडेट्स ये है कि भाई क्लैश एट द कैसल के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कोई भी क्वेश्चन ना लिया जाएगा। जो रिपोर्टर्स होते हैं वो क्वेश्चन देते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं भाई रेसलर से और जो यहाँ पर HHH है उनसे, तो अभी वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, मतलब कोई भी रिपोर्टर्स को वहाँ पर इनवाइट नहीं किया जाएगा। अब डायरेक्टली उनकी तरफ से जो है वो बोलते हुए दिखाई देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। भाई फिर ये किस टाइप का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो बातें हैं वही उनकी तरफ से रेसलर्स की तरफ से देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, मतलब क्या कुछ और बातें देखने को मिलती हैं, मतलब फिर क्या कुछ करते हुए दिखा देते हैं। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट रॉकी व्यूवरशिप को लेकर है। तो इस हफ्ते की जो रॉकी व्यूवरशिप देखने को मिली है वो 1.609 मिलियन देखने को मिली है। पिछले हफ्ते की रॉकी व्यूवरशिप थी 1.679 मिलियन, बट इस हफ्ते हमें यहाँ पर व्यूवरशिप अगेन डाउन होते हुए दिखाई दी है, 1.679 से 1.609 मिलियन हो चुकी है। मतलब ज़्यादा लॉस तो नहीं है बट फिर भी लॉस है भाई, मतलब तुम समझ रहे हो, 1.9 मिलियन आती थी, अब यहाँ पर 1.609 मिलियन आ रही है। तो आई होप सो कि आने वाले समय में व्यूवरशिप में बढ़ोतरी देखने को मिले, क्योंकि लगातार घटोतरी का सीज़न देखने को मिल रहा है और घटोतरी हो रही है व्यूवरशिप के मामले में। लच्सी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। बाकी बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट रिकोशे से रिलेटेड है। तो भाई रिकोशे जैसा कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ में उनका सेगमेंट देखने को मिला, बहुत बुरी तरीके से पीटा भाई, मतलब पीट पीट के तोड़ दिया एकदम। तो यहाँ पर क्या अपडेट है, तो रिकोशे सफर्ड कर रहे हैं बहुत सारी इंजरी से, यानी कि ऐसा पिटवा दिया WWE वालों ने कि भाई उस बंदे को इंजरी हो चुकी है, 3-4 बहुत सारी इंजरी हो चुकी है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। PWI एंड और अदर सोर्सेज जो हैं वो बता रहे हैं कि भाई रिकोशे को मल्टीपल इंजरीज हुई है। भाई गेट वेल सून यार रिकोशे, भाई इतना नहीं पिटवाना था बट पिटवा दिया भाई इन लोगों ने जल्दी खतरनाक वाला। आई होप सो रिकोशे जल्दी रिकवर करे, जल्दी ठीक हो, फिर इसके बाद अगर वो WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते तो बढ़िया है, बहुत WWE अच्छा इलाज कराएगी, अगर नहीं करते तो फिर स्वागत है आपका AEW में, जहाँ पे फिर से आपकी कोई हड्डी तोड़ के चले जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, मतलब AEW में जाते हैं या फिर WWE में आते हैं वो तो उनके ऊपर उनका डिसीजन है, ठीक है। बाकी बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये है भाई टामाटोंगा के नए ट्रेडमार्क को लेकर। तो टामाटोंगा का नया ट्रेडमार्क देखने को मिल रहा है टालाटोंगा। अब ये किस चीज़ का ट्रेडमार्क है एग्जैक्टली, उनका क्या नेम चेंज होते हुए दिखाई देगा, टामा से टाला हो जाएगा, अबे थाला रख दिया रहता है, थाला फॉर अ रीज़न, कोई बात नहीं, टामाटोंगा यहाँ पर टालाटोगा हो गया है, टालाटोंगा का एक नया ट्रेडमार्क देखने को मिल रहा है। अभी भाई ताला तोड़ा टालाटोंगा, अरे यार कैसा नाम रख दिया इन लोगों ने भाई, मुँह का जवान ही टेढ़ा हो जाए ऐसा लगेगा, टामाटोंगा टाला टेढ़ा टालाटोंगा, कोई बात नहीं। एनीवेज बात यहाँ पर ट्रेडमार्क की है तो ट्रेडमार्क हो चुका है भाई, अभी देखते हैं एक्चुअली में जब टेलीविज़न पे देखने को मिलेगा किस नाम से इनको पुकारा जाता है, किस नाम से इनको अनाउंस किया जाता है, तब मालूम पड़ेगा कि भाई ये टामाटोंगा टालाटोंगा हो गया है कि एक्चुअली में कोई निकनेम का ट्रेडमार्क है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर
मैट हार्डी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो भाई मैट हार्डी हमें एनएक्सटी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो इसको लेकर मैट हार्डी खुद कहते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर मैट हार्डी का कहना था कि भाई देखो यार, मैं एनएक्सटी के अंदर आना चाहता हूं, एनएक्सटी के अंदर रिटर्न करना चाहता हूं। पता नहीं देखने को मिले भी हैं यहाँ पर पहले नहीं, उतना तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि भाई इनका कहना है कि मैं NXT के अंदर आना चाहता हूँ एंड NXT के अंदर आकर मैं वहाँ पे बैटल रॉयल लड़ना चाहता हूँ और बैटल रॉयल लड़ के NXT के अंदर जो होगा, जिसमें यहाँ पर जो भी जीतेगा वो चैंपियन को चैलेंज करेगा ट्रिक विलियम्स को। तो ऐसा कुछ चाहते हैं भाई मैट हार्डी कि वहाँ पर वो जीते और फिर चैलेंज कर दे ट्रिक विलियम्स को। लेट्स सी भाई एक्चुअली में ऐसा होता भी है या फिर नहीं होता है, क्योंकि WWE से इससे पहले बात करनी पड़ेगी भाई NXT के अंदर आने के लिए। शॉन माइकल से बात करनी पड़ेगी, ट्रिपल एच से बात करनी पड़ेगी कि मैं NXT के अंदर आ सकता हूँ या फिर नहीं आ सकता हूँ। अगर आते तो ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है इनको TNA में शायद से लाया गया था, TNA में आए थे, इनका स्पेशल अपीयरेंस हुआ था, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या पता हमें यहाँ पर इस जो अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट्स है जो TNA और WWE के बीच में क्रॉसओवर्स को लेकर, उसमें क्या पता यहाँ पर हमें देखने को मिल जाए मैट हार्डी भी, तो बढ़िया ही रहेगा। बाकी लेट्स सी ऐसा होता भी है या फिर नहीं होता है। बाकी बढ़ लेते हैं अपने मेन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। मेन अपडेट यहाँ पर द पीपल सैम द ब्रामा बुल द रॉक को लेकर है। तो भाई द रॉक, द पीपल सैम द ब्रामा बुल क्या हमें देखने को मिलने वाले हैं नहीं है WWE के अंदर। सो रिपोर्ट्स क्या है मैं आप लोग को बता दूं कि इनका जो फिल्म देखने को मिल रहा है, अपकमिंग फिल्म जो आने वाला है जिसका नाम है स्मैशिंग मशीन, तो इस फिल्म के शूटिंग के दौरान, फिल्म करने के दौरान जो द रॉक है उनको इंजरी हो चुकी है, वो इंजरी से सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिली है और ये इंजरी काफ़ी इफेक्ट कर रही है द रॉक को, यानी कि थोड़ा बहुत ब्रेक लेना पड़ सकता है द रॉक को। अब ये ब्रेक कितना लंबा होगा इसको लेकर कोई एग्जैक्टली न्यूज़ तो नहीं है, बट इतना बताया जा रहा है कि भाई इस इंजरी की वजह से प्रॉब्लम्स तो हुई है द रॉक के साथ में, तो ये थोड़ा लंबा चलेगा। तो आई होप कि भाई ज़्यादा लंबा ना चले, क्योंकि अगर ऐसा चला तो फिर समर स्लैम में जो होप्स है द रॉक को लेकर वो बेकार हो जाएंगे। फिर समर स्लैम में हमें द रॉक नहीं देखने को मिलेंगे एंड इवन यहाँ पर फिर शायद रसलमेनिया भी इफेक्ट करते हुए दिखाई दे जाए, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं इंजरी की वजह से अगर नहीं हुए तो ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन होकर रसलमेनिया तक भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे हमें फिर रसलमेनिया 41 का मोमेंट नहीं मिल पाएगा द रॉक की तरफ से, क्योंकि फिर उनका जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो अभी इंजरी की वजह से बचे रहेंगे वो फिर बाद में उनको करने रहेंगे, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आई होप कि मतलब कोई बड़ी इंजरी ना हो और गेट वेल सून, जल्दी ही द रॉक हमें वापस अपने काम पे देखने को मिले और फिर जल्दी ही ठीक हो जाए, ताकि मतलब हमें WWE के अंदर उनका रिटर्न भी फिर जल्दी देखने को मिले। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर न्यूज़ आती है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है भाई इन सारे अपडेट्स को लेकर, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी, इन्हें ले लिया सौ फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।